हेलो दोस्तों, ये इन्फिनिक्स होट 10 का फोल्डर लगाएंगे। इसको बताएंगे कैसे लगाया जाता है बड़े ही आसान तरीके से। वीडियो देखते रहिएगा, आपको सब पता लग जाएगा कैसे लगाया जाता है, कितना रेट है, कितना मिलता है, कितने दाम में, कितने में लगाया जाता है, सब बताएंगे। वीडियो देखते रहिएगा हमारा। देखिए पूरा फोल्डर टूट चुका है, देखिए पूरा लाइनिंग आ गई है, पूरा खंड खंड टूटा हुआ है। इसको लगाएंगे, ये इन्फिनिक्स का होट 8 मोबाइल है। देखिए और ये कैसे खोल के लगाया जाता है इसको बताएंगे। चलो शुरू करते हैं। देखिए सकते, तो इतना तो जानकारी होगा जो बता रहे हैं। अगर हमारा वीडियो देखते रहिएगा आपको सब नॉलेज रहेगी। आप खोल के नहीं बना सकते, दुकान पे लेके जाओगे तब भी तो आपको जानकारी रहेगी मोबाइल के बारे में कुछ ना कुछ। इसीलिए वीडियो हमारा देखते रहिएगा और रेट भी कंफर्म रहिएगा कि इतना मिलता है, इतना लगता है, नहीं तो दुकानदार ज़्यादा ले लेता है। चलो ठीक है, वीडियो देखते रहिएगा हमारा। इसको नट बोल्ट खोलते हैं, नट बोल्ट भी पूरा नहीं लगा हुआ है, रिपेयरिंग किया गया है। कितने देखिए, इसका फिंगर आराम से हटा लेना और एक कैमरा हटता है सबसे पहले। देखिए कैमरा हटाओगे तभी खुलेगा, ये खुल गया। सबसे पहले बैटरी का पत्ता हटा लें, ये बैटरी का पत्ता है। उसके बाद ये बैटरी हटा ले आराम से। देखिए ऐसे आराम से उठाना है। देखिए यहाँ पर पत्ता है, पत्ते का नहीं लगाना, पत्ते किनारे लगाना, एकदम किनारे, नहीं तो ये किनारे कोई हल्का, नहीं तो केमिकल आ जाएगा, पेट्रोल डाल दोगे आराम से छूट जाएगा। देखिए बैटरी अलग कर लिए, ये डिस्प्ले का पत्ता है, इसको आराम से इसे पकड़िए, ऐसे उठा दीजिए। और देखिए यहाँ से, यहाँ से इसको आराम से कोई भी ब्लेड के माध्यम से या अंगुली के माध्यम से, टूटा है ही है, बचाना थोड़ो है। देखिए आराम से खुल जाएगा। देखिए ऐसे खुलता है आराम से। देखिए इसमें यह केमिकल लगा दिए हैं दुकानदार, यहाँ पर केमिकल नहीं लगाया जाता, नहीं तो टूट जाता अक्सर करके। देख लीजिए काफ़ी गलतियाँ करते हैं दुकानदार, देख लीजिए। अगर हमारा वीडियो देखते रहिएगा तो हर गलती बताते हैं क्या क्या दुकानदार गलतियाँ करते हैं। फोल्डर निकालने के बाद इसको अच्छे तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। देखिए हमारा पुराना डिस्प्ले है, देखिए इसको लगाएंगे आप सबके सामने, देखते रहिएगा पूरा वीडियो हमारा। देखिए पन्नी को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, अगर नहीं हटाएंगे तो बाद में डिस्प्ले टच कम काम करेगा। देखिए हटा दिए, और यहाँ पर टेप लगा रहता है, इसको भी हटा दिया करें, काफ़ी दुकानदार हटाते नहीं, और इधर टेप मार दिया करें ताकि जो केमिकल लगाएं इसे पत्ते में लगे ना, बहुत दुकानदार मारते नहीं हैं। अगर नहीं मारोगे तो आपका टच 15 दिन 20 दिन चलेगा, उसके अलावा आपका टच काम नहीं करेगा या लपलपाने लगेगा, दबाओगे एक काम करेगा तो दो, यही सब प्रॉब्लम रहती है। देखिए ये टेप है, इसको कैसे मारा जाता है, जो फोल्डर लगाते हैं सब में बताते हैं कि ऐसे किया जाता है। काफ़ी दुकान मोबाइल में बनाते हैं कुछ नहीं किया रहता है, पन्नी तक नहीं निखारी रहती है।
देखिए ये हमारा हो गया एकदम, हींच के बैठाना है, देखिए ऐसे करके एकदम आसान तरीके से। ये टेप मारने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है, आपका टच अगर गिर जाए टूट जाए तब भी आपका टच बराबर काम करेगा, कितनों फूट जाए, और आपका टच लपलपाएगा नहीं, दबाओगे एक दो काम नहीं करेगा, और पानी में गिरेगा तो आपका डिस्प्ले नहीं स्टार्ट करेगा, टेप लगा रहता है पानी जाने का बहुत कम चांस रहता है। यही सब इस ये टेप लगाने से फ़ायदा रहती है, काफ़ी दुकानदार लगाते नहीं हैं, वैसे दे देंगे, दुकानदार जानते हैं आज लगाएंगे अगर 10 दिन 15 दिन चला लिए उसके बाद फिर बेकार हो जाएगा, फिर हमारे पास आएंगे। देखिए देखिए ये डिस्प्ले तैयार हो गया है, अब इसको चपकाते हैं देखिए। और कस्टमर बोला था इसका फ़ोन लगाने पर बत्ती बुझ जाती थी, इसको भी देखिए सेंसर यहाँ पर, काफ़ी दुकानदार लगाते हैं केमिकल तो सेंसर पे लगा देते हैं तो आपका सेंसर ख़राब हो जाता है, मतलब काम नहीं करता, तो बाद में जाओगे दुकानदार के लगे तो दुकानदार उसको भी बना के पैसा ले लेंगे, इसीलिए हमारा वीडियो देखते रहिएगा। आपको छोटी छोटी नाले तो होती ही रहेगी, देखिए हर मोबाइल में, किसी मोबाइल में देखिए सेंसर दिखा रहे हैं, देखिए ये है सेंसर जो काला काला है यहाँ पर बारीकी देख लीजिए, देखिए दिखा रहे हैं एकदम, या यहाँ पर ये सेंसर है, कोई मोबाइल में हिया कैमरा कैमरे के बगल, कोई मोबाइल में हिया, कोई मोबाइल में हिया, हर मोबाइल में यही इतनी दूर में सेंसर दिया रहता है। होल्डर लगाते समय अगर दुकानदार ध्यान नहीं देगा तो सेंसर पे लगा देगा तो काम नहीं करेगा, बाद में दुकानदार के बाद में जाओगे दुकानदार कहेगा हम होल्डर लगाए थे सेंसर आपका बेकार है, तो बाद में वही छुड़ा के दे देगा आपका सेंसर काम करने लगेगा, उसको भी पैसा ले लेगा। और एक बार और बता दे रहे हैं इसका जाली भी लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, देखिए इसमें जाली तो हटा दिए हैं लेकिन बारीकी जाली है लगा दे रहे हैं, अगर वीडियो देखते रहिएगा तो आपको कुछ ना कुछ तो नॉलेज होती ही रहेगी, इतना हम बताते हैं, नहीं तो जाओगे वैसे, दुकानदार लगा के देगा आधा काम करेगा आधा नहीं करेगा, आपका मोबाइल आपका फोल्डर 15 दिन चलेगा, 10-15 दिन उसके बाद टूट जाएगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, काफ़ी मोबाइल में टच नहीं काम करता है, या फोल्डर बदलवा के लेके आते हैं भैया इसका देखिए नेटवर्क नहीं काम कर रहा है, आवाज़ नहीं जा रही, कैमरा नहीं साफ आ रहा है, सब बताते हैं क्या क्या दुकानदार गलतियाँ करते हैं, कैमरे पर हाथ रख देंगे तो कैमरा आपका धुंधला आने लगेगा, ये सब बताए हुए हैं हर वीडियो में, अगर कैमरा गंदा हो जाए तो कैसे साफ़ किया जाता है ये भी बताए हुए हैं। देखिए अब इसका केमिकल लगाते हैं, केमिकल भी लगाना बताए हुए हैं, वीडियो हमारा देखते रहिएगा सब बताते हैं एक एक बात, अगर चैनल पर नए आदमी हो तो इसको फॉलो करके रख लीजिएगा। चलो देखते हैं लगाते हैं, देखिए ज़्यादा नहीं लगाना है, देखिए ऐसे लगाए, अब इतना यहाँ पर छोड़ दें इतना यहाँ पर, अब उसके बाद पूरा लगाते चले जाइए। देखिए ये फोल्डर है, आराम से इसको बैठाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से देखिए इसमें बैठा के डिस्प्ले पहले आगे हल्का एक बार भी आगे खींचिए, आगे से हल्का पीछे कर दीजिए, देखिए या ऐसे बैठ जाता है, इसको ऐसे कर दीजिए, एसी का है जिसका रहेगा उसी में बैठेगा अच्छी तरह से, आराम से बैठ जाता है, साइज बाई साइज से आता है, इसका डिस्प्ले का पत्ता बैठा ले, देखिए ऐसे ये बैठ गया, अब इसका बैटरी लगा ले, बैटरी में देख लेना कुछ चपका उपका तो नहीं है, नहीं तो चपक जाता है नट बोल्ट, अब बैठाओगे तो बैठेगा नहीं, बैटरी बनने के चांस ज़्यादा रहती है, बैटरी बैठा ले, देखिए बैटरी बैठ गई, अब इसको चालू करते हैं, देखिए चालू हो गई, इन्फिनिक्स लिख के आ गया, देखिए एकदम अच्छी क्वालिटी में, देखिए अब इसका नट बोल्ट लगा लेते हैं, देखिए बैठा लेते हैं, कैमरे को बैठा लेना और कैमरे पर हाथ ना लगाइए नहीं तो गंदा हो जाता है, और इसका फिंगर भी लगा ले, नट बोल्ट नहीं लगाया भाई इसमें लगा दे रहे हैं, काफ़ी नट बोल्ट आता है ख़रीद के रखे हुए हैं, जिसके मोबाइल में नहीं लगी रहती है उसको लगा देते हैं, अच्छा काम करोगे तो काफ़ी कस्टमर आएंगे, अगर कस्टमर के साथ उल्टा सीधा करोगे तो देखिए इसका नट बोल्ट लगा दिए हैं,
अब इसका ये लगा देते हैं ढक्कन, ये बटन भी निखरी हुई है देख लेना, काफ़ी मोबाइल में निखरी जाती है, दुकानदार हिरवा देते हैं, नहीं तो खोलते समय ऑटोमेटिक हिरा जाता है, इसको सब देख खोलिएगा। देखिए आराम से बैठ जाता है, देखिए आराम से दबाना है, ज़्यादा कस के नहीं, आगे नहीं प्रेस करना है, पीछे ज़्यादा प्रेस करना है। देखिए हमारी आदत है तो हम इसे दबा दे रहे हैं, लेकिन आप बैठाइएगा अच्छे तरीके से, सिम लगा देते हैं, देखिए एकदम ये ओके है, फिंगर उंगर एकदम देख लीजिए, देखिए एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। टच भी बताए हुए हैं कैसे चेक किया जाता है, ये भी हमें इसमें बता दे रहे हैं, कोई भी एक ऐप उठा लीजिए उसके बाद आप ऐसे ऐसे घुमा दीजिए, हर जगह काम करेगा, तो आपका ये जान लीजिए टच सही है। देखिए सब कुछ चेक करना बता देते हैं, अगर हमारा वीडियो चलाइएगा या देखिए देखते हो तो आपको पूरा नॉलेज रहेगी। देखिए पूरा हर जगह टच काम कर रहा है, आप कोई भी वहीं दुकान पर ही दुकान पे देखिए 2 घंटे हो गए हैं, अब इसका रबड़ निखारते हैं, उसके बाद देखते हैं।